हैप्पी वुमेन्स डे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी एक वुमेन हूँ, तो एक वुमेन होना बहुत प्राउड की बात है और अपने पैरों पे सेल्फ डिपेंड होना, जो काम एक लेडी कर सकती है फ्रेंड्स मैं कहती हूँ वो आदमी कभी भी नहीं कर सकता। तो हमने वो काम करे हैं कि जो आदमियों के बस की है ही नहीं। तो फ्रेंड चलिए आज हमारे जो वुमेन्स डे हम लोगों के लिए सेलिब्रेट हो रहा है और मैं भी सेलिब्रेट कर रही हूँ उसको। तो जैसे कि आप लोगों की बहुत डिमांड है कि मैं जैसे कि हेल्दी हूँ, बहुत सी लेडीज हैं हेल्दी हैं, वो कहती हैं आप कुर्तियां कहाँ से लेते हो, आप ड्रेसेस। तो फ्रेंड्स मैं आज अपनी कुर्तियों की और ड्रेसेस की कलेक्शन लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैं मोस्टली जो कुर्तियां होती हैं वो लक्षिता की लेती हूँ और मस्टर्ड की लेती हूँ। जैसे मस्टर्ड में क्या होता है, नॉर्मल कपड़ा होता है, कैजुअली वगैरह से पहन सकते हो। लक्षिता का थोड़ा शिफॉन का कपड़ा होता है जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बाजू ये बहुत ज्यादा हैवी है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा जॉर्जेट ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कॉटन प्रेफर नहीं करती और मैं कभी भी कॉटन नहीं पहनती। बाई चांस कोई एक आध कुर्ती सेल में हो गई होगी तो मैं उस मुश्किल से उसे सलटा ही रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ कुछ ड्रेसेस। फ्रेंड्स मैंने साड़ी की बनवाई है, जैसे कि मैं शुरू से साड़ी पहनती आई हूँ और लगा कि जैसे बहुत टाइम हो गया वही साड़ियां पहन के तो मैंने उनकी ड्रेसेस बनवा ली। और कुछ जैसे मैंने की लोकल मार्केट से कपड़ा लेकर के, और जैसे कि मैं गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे मतलब चीजें सर्च करती रहती हूँ, वहां से मैंने कोई डिजाइन ले लिया, किसी का स्लीव का डिजाइन ले लिया, किसी का गले का डिजाइन। तो जो मेरी बुटीक वाली थी, क्योंकि आजकल तो मैं कोई ड्रेसेस नहीं बनवा रही हूँ फ्रेंड्स, तो उनको मैं खुद अपने डिजाइन देती थी और वो मुझे कहती थी राखी जी कमाल है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के डिजाइन लेकर के आते हो। तो वो सारी डिजाइनिंग आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो मैं खुद ही बता रही हूँ कि वो मैंने खुद उनको मतलब बताया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए या ऐसा कुछ पहनना है या इस फैब्रिक पे आप ऐसा कुछ कर दीजिए। तो ऐसे करके मैंने रीजनेबल रेट में, मतलब वो मुझे काफी चीप पड़ती थी ड्रेसेस, तो रीजनेबल रेट में मैंने कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस बनवाई है, कुछ मैंने वेस्टर्न गाउन बनवाए हैं, वेस्टर्न जैसे कि मतलब घूमने फिरने में पहन लिए, तो और कुछ है मेरे पास कुर्तियां। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज आपको अपनी सारी कलेक्शन। कुर्तियां दिखाती हूँ और मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं आपकी कुर्तियों की रेंज क्या होती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 3000 तक मेरी कुर्तियों की रेंज होती है, जैसे 2800, 2600, 3000, 3100, 3200 मेरी नॉर्मली कुर्तियों की रेंज होती है। और जो मैंने आपको मस्टर्ड बताया उसकी कुर्तियां मेरे ख्याल से 1700-1800 की कुर्तियां होती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मेरा थोड़ा साइज का इशू है और मैं क्या थोड़ा मैं कंफर्टेबल कपड़ा पहनती हूँ, तो क्या होता है अगर मैं लोकल ब्रांड तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आती है बाजू से, तो मैं इसलिए वो प्रेफर करती हूँ। मेरे को लगता है कि 4 की जगह चाहे मैं 1 ले लूँ लेकिन वो ले लूँ जो कि कंफर्टेबली मैं पहन सकूँ। तो फ्रेंड जैसे कि ये देखिए मैंने पहनी हुई है, मेरी काफी पुरानी कुर्ती है और मैं डेली में पहनती हूँ। ये मैंने अपनी बुटीक वाली से स्टफ लेके उसी से एम्ब्रॉयडरी करवा के बनवाई थी, उसने मुझे आई थिंक 1200 रुपये में बनाई थी ये, फैब्रिक समेत, सिलाई समेत और कढ़ाई समेत। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ अपनी आगे की कलेक्शन। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है मेरी एक कुर्ती, ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी लक्षिता की कुर्ती जो कि थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई त्योहार तीज होता है क्योंकि ये थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में आप देख सकते हैं, तो उसके लिए पहनती हूँ। और मैं इसके नीचे जो लेगिंग पहनती हूँ वो बिल्कुल एंकल लेंथ पहनती हूँ, जो बिल्कुल इतनी ऊंची ऊंची होती है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, वो भी मैंने लक्षिता से ली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पीस लिया था, एक टुकड़ा था उनके पास 2.5 मीटर का जिसमें ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया कि और ये कलर मेरा मन था। तो आप जिसकी गले की डिजाइन देखिए ये मेरी खुद की डिजाइनिंग है, ये देखिए गला, ये मैंने उसको खुद अपने टेलर को गला दिया था कि मेरे को ये गला चाहिए और ये मैंने बनवाया था उससे। ये सिंपल नॉर्मल कुर्ती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स ये देखिए अगेन ये थोड़ी सी पार्टी वेयर है, जैसे मैं हल्के फुल्के फंक्शन में ये पहन लेती हूँ, ये भी फ्रेंड्स फ्रॉक स्टाइल में देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए ये एक मेरी ड्रेस है जो कि मैं एग्जीबिशन से लेके आई थी, ये इसका स्टफ लेके आई थी मैं एग्जीबिशन से और ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, ये मैंने सिंपल कुर्ती बनवा ली थी ये देखिए। और उस टाइम फ्रेंड जब ये मैंने बनवाई थी उस टाइम स्कर्ट का बहुत फैशन था तो मैंने कंट्रास्टिंग में बनवाई थी इसके साथ ये स्कर्ट। और ये देखिए ये अगेन ये मेरी लक्षिता की कुर्ती। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं कुछ अपना वेस्टर्न आउटफिट्स भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स दरअसल मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मेरे को सारे कपड़े दिखाने बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ वैरायटी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी भी एक कहानी है, तो आप ये देख सकते हैं क्या हुआ था, ये स्टफ जो नीचे वाला ये मुझे काफी सस्ता पड़ा था, तो ये हम लोगों ने 2-3 लोगों ने मिल के लिया था स्टफ,
और जब मेरी भांजी ने इसकी ड्रेस बनवाई वो मतलब इतनी अनकंफर्टेबल थी क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए आप बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है इस कपड़े के अंदर, तो वो परेशान हो गई। और जबकि ये देखिए फ्रेंड्स वो तो बिल्कुल पतली है और मैं मोटी हूँ, तो मेरे को लगा कि मुझे कंफ्यूजन हो गई कि हाय मैं क्या करूं, मेरा तो कपड़ा जो है वो वेस्ट हो गया। तो मैंने अपने बुटीक वाली से कहा कि मुझे कुछ अलग पैटर्न चाहिए, तो उसने मुझे कहा कि राखी जी आप जो है ऊपर से लाइक्रा ले लीजिए जो कि आपको कंफर्टेबल मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन मैंने खुद सर्च करा और मैंने ये डिजाइन दिया तो जो कि बहुत ज्यादा मेरा सुंदर लगा। तो ये लाइक्रा का टुकड़ा मैं लेके आई थी 1 से 2 मीटर, तो इससे मेरी जो है चोली बन गई जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये नीचे मेरी बन गई इसका घेरा, तो ये मेरा पूरा गाउन बन गया वेस्टर्न लुक का जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और आई थिंक ये मेरे को ये कपड़ा जो है 300-400 रुपए का पड़ा था नीचे वाला, और 100-150 का ये पड़ा था, और 1000 या 1200 रुपए मैंने इसकी सिलाई दी थी। तो फ्रेंड्स अब आप बुटीक का नंबर मत मांगिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं आप सिलवाना छोड़ चुकी हूँ, तो मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स अगेन ये देखिए मेरा फेवरेट गाउन है, ये सबसे पहला गाउन मैंने बनवाया था जब मैंने स्टार्ट ही करा था कुर्तियां, क्योंकि मैं साड़ी पहनती थी हमेशा, और ये जो फैब्रिक है मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखिए इम्पोर्टेड फैब्रिक है और आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा पर इसमें हल्का सा शिमर है, चमक है। ये टुकड़ा मैंने अपनी बुटीक वाली के देखा, मेरे को बहुत पसंद आया, लेकिन वो बोली राखी जी ये टुकड़ा थोड़ा छोटा है, लेकिन मेरे को मुझे एक गाउन चाहिए, तो इन्होंने ये देखे स्ट्रेट फिट में ये मुझे गाउन बना दिया जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और क्या था फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा जो कपड़ा कम था उससे उसने ये डिजाइनर स्लीव बना दी, क्योंकि मैं छोटी स्लीव नहीं पहनती, तो जो टुकड़ा कम था उसकी डिजाइनर की डिजाइनर हो गई और स्लीव मेरी हो गई पूरी। तो फ्रेंड्स अगेन ये देखिए ये कितना प्यारा है, ये भी मैंने कहीं देखा था तो इसका भी मैंने टुकड़ा खरीदा। ज्यादातर मैं क्या करती थी पीस खरीदती थी और उसे खुद से डिजाइन करवाती थी। ये देखिए और मेरा मन था कि ये साइड का ये जो वुमन है मैं खुद बना हुआ मतलब कि यूज करूं, रेडीमेड में नहीं चाहती थी सिंपल। तो ये मेरी बुटीक वाले ने देखिए डिजाइन करा खुद, ये देखिए फोमन कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये देखिए ये मेरा गाउन जो है डिजाइन हो गया। और इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स मेरा ये बहुत फेवरेट गाउन है नेट का, मुझे नेट का गाउन बनवाने का बहुत मन था, लेकिन ये लगता है कि हेल्दी लेडीज को लगता है कि अरे हम कैसे क्या पहनेंगे क्या करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे जैसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये पीस लिया और ये मैंने गाउन बनवाया, और फ्रेंड्स ये मैंने फर्स्ट टाइम वी गला बनवाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने डिजाइन देखा था आई थिंक लक्षिता पे, तो वहां बहुत कॉस्टली जैसे कि मैंने बताया मिलता है, तो मैंने ये कॉपी करवा लिया। और ये देखिए वहां पे भी ये चेन लगी हुई थी, मैंने भी इस पे चेन लगवा ली। और ये स्लीव्स का डिजाइन देखिए जो कि मैंने खुद पसंद किया था और बहुत अच्छा लगता है पहन करके, ये डिजाइनिंग जो है अपनी बुटीक वाले को मैं खुद बताती थी। और फ्रेंड्स अगेन ये मेरा वेस्टर्न गाउन है, देखिए इतना ज्यादा प्यारा है, ये मैंने लिया था लक्षिता से, ये मेरा लाइक्रा का गाउन है ये देखिए, और इसके साइड में ये देखा आप देख सकते हैं कट भी है इसके साइड में, तो ये कोई भी पार्टी में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे लेडीज क्लब ज्वाइन किए हुए थे तो मैं वहां मेरा ड्रेस कोड था 25 दिसंबर को ब्लैक, तो तब ये मैं गाउन वियर करके गई थी वहां पर। फ्रेंड्स ये मेरी ड्रेस देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं पार्टी वेयर ड्रेस है, और फ्रेंड्स ये मैंने बनवाई है साड़ी से, मेरी एक साड़ी थी प्लेन जो मुझे बहुत पसंद थी, और जो इस पे जितना भी ये वर्क है सब साड़ी का ही वर्क है। तो मेरा मन था कि कुछ अलग बनाऊं, तो मेरी बुटीक वाली बोली अनारकली बनवा लो राखी जी, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ अलग चाहिए। बहुत दिमाग लगाने के बाद 3-4 डिजाइन डिसाइड करने के बाद मैंने फाइनली ये डिजाइन बनवाया। तो ये देखिए मैंने ये बनवाई कुर्ती और इसके साथ में बनवाई मैंने ये इसका लहंगा जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, और इसके साथ मैंने कंट्रास्टिंग का दुपट्टा लिया रेड कलर का, तो मैंने रेड कलर के देखिए ये लटकन लगवाई इसके अंदर जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो ये भी मैंने अपने बुटीक से बनवाया अपनी साड़ी का। और फ्रेंड्स अगेन ये देखिए ये मेरी थोड़ी सी पार्टी वेयर ड्रेस है जिसका मैंने टुकड़ा खरीदा 5 मीटर का लिया था मैंने ये, और जो पैचेस आप देख रहे हैं ये मेरी साड़ी के हैं, जो साड़ी मैंने रिटायर की थी उसके मैंने अपने बुटीक वाले को देख करके पैच उतरवा लिए थे, और ये देखिए पैच मैंने ऐसे करके ये बाजू पे और ये फ्रंट पे लगवा लिए। ये बिल्कुल सिंपल सा है, मैं ये हल्के फंक्शन में पहन लेती हूँ और हैवी फंक्शन में, क्योंकि इसके मैं सिल्क का जो दुपट्टा कैरी करती हूँ उसके साथ में ये बहुत ज्यादा ग्रेस देता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये देखिए ये कपड़ा जो है वॉशेबल है, इसको मैं मशीन के अंदर धोती हूँ, इसको बहुत ज्यादा प्रेस की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी ये सलबटे हैं क्योंकि ये तय बना हुआ था उस वहां से मैंने निकाला है, लेकिन अगर मैं इसको बिना प्रेस के भी पहनती हूँ तो लगता नहीं कि मतलब ये प्रेस नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे ये चीज पता चलती है कि आपको जो भी चीजें रिटायर्ड होती है उसमें से भी आपका कुछ ना कुछ निकल सकता है और कुछ ना कुछ डिजाइन हो सकता है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मुझे बहुत ज्यादा मेरा मन था कि मैं गोल्डन कलर में कुछ बनवाऊं, और मैं अपने मार्केट लोग में गई, वहां से मैंने ये नेकलेस परचेज किया, ये भी मेरी खुद की इन्वेंटमेंट है, तो मैंने ये इन्वेंशन इन्वेंशन
तो मैंने ये नेकलेस परचेज किया और अपने बुटीक वाले को बोला कि ये लगा दो, तो वो बोली राखी जी वॉश नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा इसमें कोई सिस्टम नहीं है कि निकल के धुल जाए, कहती है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी पहन के ड्राई क्लीन करवा लूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा मेरे को पहन के अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने सिल्क का दुपट्टा लिया ब्लैक कलर का, और इसकी स्लीव्स तो बस कमाल की है। देखिए स्लीव्स का डिजाइन कितना प्यारा है, ये भी मैंने खुद दिया अपना स्लीव्स का डिजाइन कि मुझे ये बना दीजिए। और फ्रेंड्स इसके साथ ही देखिए ये मेरा पार्टी वेयर गाउन, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा सूट करता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है पहन के भी। और जो इसके ऊपर आप ये पैचेस देख रहे हैं या ये कढ़ाई देख रहे हैं, ये मेरी साड़ी का है। जैसे कि क्या हुआ, साड़ी रिटायर हुई मैं तो मैंने अनायका को बोला कि आप ड्रेस बनवा लो, अनायका ने ड्रेस बनवाया, लेकिन जो उसमें से ये कतरन बची वो मैं बुटीक से उठा लाई। मैंने कहा कभी ना कभी तो काम आएंगी। और फिर मैंने क्या करा, जब मैंने ये स्टफ खरीदा गाउन बनवाने के लिए, तो मैंने ये इसके ऊपर चेप लिया। तो ये देखिए दो पैच मैंने यहाँ लगवाए, और ये देखिए ये स्लीव्स पे लगवाया, और ये मैंने लगवाया इसके नेक पे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कलेक्शन। फ्रेंड्स सारी कलेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल है, बट इसमें हमने आपको बेस्ट कलेक्शन दिखा दी। और अगर आपको और भी कलेक्शन देखनी होगी तो वो हम उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द वुमेन्स गर्ल्स एंड लेडीज आउट देयर। एंड यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं आज के अपने व्लॉग को। तो फ्रेंड बताइए मेरी कलेक्शन आपको कैसी लगी। हाँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कलेक्शन कैसी लगी। मैंने जो दिमाग चलाया, एक जो मैंने साड़ी का अपना चैप्टर क्लोज करके एकदम से मैं आई ड्रेसेस पे, पहले मैं साड़ी पहनती थी उसके एकदम से मैं ड्रेसेस पे आई, मैंने कुर्तियों से स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने जो ये अपने आप से डिजाइन कर करके ड्रेसेस बनाई। क्योंकि जिस टाइम मैंने ये बनवाई थी मेरे क्या उस टाइम क्या था, जब आप साड़ी पहन रहे हो आपका शरीर बेडोल है जैसे कि मेरा है, तो मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मतलब क्या हमें कमेंट मिलेंगे हम किसी फंक्शन में कोई ड्रेस पहन के जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो मैंने ड्रेस बनवाई थी वो मैंने शायद नहीं दिखाई है, फर्स्ट टाइम जब मैं अपने सिस्टर के यहाँ पहन के गई मुझे कोई पहचान ही नहीं सका, क्योंकि मैं साड़ियां पहनती थी। तो मैं जब वो गाउन पहन के गई तो किसी ने तो मुझे मेरी भांजी समझ लिया कि मैं तो आपको बड़ी दीदी की वो समझ रही थी बेटी, तो मुझे मतलब काफी अच्छे कमेंट कॉम्प्लीमेंट्स। तो मेरे को फिर लगा कि चलो भाई यार स्टार्ट है, फिर मुझे कईयों ने बोला कि भाई, तो फिर मैंने सोचा सब कुछ चेंज करके पहनना चाहिए। वैसे मैं मोस्टली फंक्शंस में साड़ियां ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा चेंज के लिए मैं ये सब भी कैरी करती हूँ। और हर चीज कैरी करनी आनी चाहिए, और फ्रेंड्स कैरी करनी आनी चाहिए, और मैं कहती हूँ कैरी करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए मोटे हैं पतले हैं, अरे यार भगवान ने जो शरीर दिया है वो तो दिया ही है, अब यहाँ रद्दे तो लग नहीं सकते कि रद्दा लगा लगा के हम लोग पतले हो जाएंगे। कम से कम जैसे हैं एक ही लाइफ मिली है उसको तो जी लीजिए, कम से कम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर लीजिए, मेरी हंसी के साथ ही हंस लीजिए। थैंक यू सो मच।